हाय फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू देखेंगे नोवाक्लॉक्स ईएलबी कैप्सूल का। नोवाक्लॉक्स ईएलबी, जिसका कंटेंट है एमोक्सिलिन, डाइक्लोक्सिसिलिन और लैक्टिक एसिड बैसिलस। दोस्तों, ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप मार्केट में अवेलेबल है, जो कि जेनरिक है। कॉस्ट है 98 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके यूजेस, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशन, डोसेज के बारे में हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, एमोक्सिलिन और डाइक्लोक्सिसिलिन बेहतर क्वालिटी के एंटीबायोटिक है। माइल्ड टू मॉडरेट स्टाफिलोकोकल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए बहुत ही बढ़िया सा ये फॉर्मुलेशन है। इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस है। क्यों है? दोस्तों, एमोक्सिलिन और डाइक्लोक्सिसिलिन के इस्तेमाल से आपको एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया हो सकता है। ये जो डायरिया होता है, ये जैसे इसकी ट्रीटमेंट बंद करते हैं और तुरंत बंद होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड बैसिलस इसमें मौजूद होते हैं, ताकि आपको ज़्यादा वीकनेस ना आए, डिहाइड्रेशन ज़्यादा ना हो। 250 मिलीग्राम इसमें एमोक्सिलिन और डाइक्लोक्सिसिलिन है। सिप्ला का बढ़िया क्वालिटी का ये फॉर्मुलेशन है। स्टाफिलोकोकल स्किन इन्फेक्शन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। दोस्तों, सेल्यूलाइटिस यानी कि सेल का इन्फ्लेमेशन इसमें होता है। इम्पेटिगो यानी कि बाल तोड़ो, ओटाइटिस एक्सटर्ना, फोलिकुलाइटिस, बॉयल्स, कार्बनकल्स और मैस्टाइटिस। दोस्तों, ये निमोनिया का इलाज करने के लिए भी उपयोगी है, अगर इसके साथ बढ़िया क्वालिटी का एंटीकोल टैबलेट इस्तेमाल करें। ऑस्टियोमलाइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए भी ये फायदेमंद है। सेप्टिक एमिया, एम्पिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस का इलाज करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एम्पिरिकल यानी कि आप ब्लाइंडली दे सकते हैं। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एलर्जी को इसके कोई भी कंटेंट से, तो इसका इस्तेमाल ना करें। जैसे कि अगर आप एलर्जी को एमोक्सिलिन से, डाइक्लोक्सिसिलिन से, तो इसका इस्तेमाल ना करें। बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मुलेशन। अब बात करते हैं इसके डोसेज की। ये डोज अडल्ट के लिए है। सुबह, दोपहर, शाम आपको उचित पेन किलर या एंटी कोल्ड टैबलेट के साथ लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।